ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हम आज इसलिए सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में वादे किए थे उनमें से 26 वादे हमने नोट किए हुए हैं। 26 हमारे क्वेश्चन हैं जिनमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब वो पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से कूड़े के ढेर उठाने की बात करते थे, आज भी उतने ही ढेर लगे हुए हैं। वो अपनी दिल्ली का माहौल ठीक नहीं कर रहे और यहाँ पर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू और सिख भाईचारे को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उनका मनसूबा कभी पूरा नहीं होना देंगे। हम ये महसूस करते हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, अब ये दूसरे रूप में आके पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, यदि करनी है तो वो सीधे ढंग से होनी चाहिए, शरारत वाले ढंग से नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति के विरोध में नहीं है, हम उसकी जो छोटी राजनीति है, जो घटिया किस्म की राजनीति वो करता है कि वो स्टेज पे चप्पल पहन के जाता है, उसके साथ वाले जो हैं वो सब बूट पहन के जाते हैं, इससे नए नए ड्रामे करता है, वो ड्रामे वाली राजनीति हमें पसंद नहीं है। हम उसको बड़ा ड्रामेबाज मानते हैं।